नमस्ते, मैं राहुल आर्य आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MD एजुहट में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम हरियाणा के एक एडेड कॉलेज के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए जारी किए गए विज्ञापन के विषय में चर्चा करने वाले हैं। हम यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज के साथ साथ आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कब तक अप्लाई कर सकते हैं, ये सब बातें यहाँ पर विस्तार से वीडियो में जानने वाली हैं। तो सारी बातों को जानने के लिए आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर जानते हैं कि किस कॉलेज की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है और किस किस सब्जेक्ट में आपके लिए यहाँ पर कितनी कितनी वैकेंसीज प्राप्त हो रही है और आप इसके लिए अप्लाई कब तक और कैसे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि महारानी किशोरी जाट कन्या महाविद्यालय रोहतक हरियाणा की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है, जो कि नैक के द्वारा ए ग्रेड प्राप्त महाविद्यालय है, कॉलेज है। तो इसमें एडवर्टाइजमेंट में लिखा है कि स्वपोषित स्कीम के अंतर्गत इस महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पदों के लिए नियमित आधार पर रेगुलर वैकेंसीज हैं। महिला उम्मीदवार केवल फीमेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। निर्धारित प्रोफॉर्मा में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, अर्थात जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑफलाइन होगा और उसको आप कहाँ से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अब उससे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में आपके लिए यहाँ पर कितनी कितनी वैकेंसी मिल रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रसायन शास्त्र में 8 वैकेंसी हैं आपके लिए, वनस्पति विज्ञान में आपके लिए यहाँ पर 4 वैकेंसी हैं, जीव विज्ञान में आपके लिए यहाँ पर 4 वैकेंसीज हैं, गणित में 6 वैकेंसी हैं, भौतिकी में 1 वैकेंसी है, कंप्यूटर विज्ञान में 2 वैकेंसी है, शारीरिक शिक्षा में 5 हैं, योग विज्ञान में आपके लिए 3 वैकेंसी प्राप्त हो रही है, वाणिज्य में 10, भूगोल में 3, अंग्रेजी में 4, संस्कृत में 1, राजनीति शास्त्र में 1, इतिहास में 1। स्नातकोत्तर कोर्स के लिए यहाँ पर, ये तो स्नातक कोर्स के लिए थी, स्नातकोत्तर कोर्स के लिए यहाँ पर गणित में 3 और भौतिकी में 3 वैकेंसी प्राप्त हो रही है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको काफ़ी संख्या में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रेगुलर पदों के लिए काफ़ी सीटें देखने को मिल रही है। तो अब आप इसके लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं, तो उसके विषय में यहाँ पर कहा गया है कि महाविद्यालय की जो वेबसाइट है उससे आपको डाउनलोड करना है परफॉर्मा और उसको अपने दस्तावेजों के साथ सत्यापित प्रतियां, सेल्फ अटेस्टेड उसकी प्रतियां होंगी, जिसके साथ आपको 1,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, जो कि प्राचार्य जाट कन्या महाविद्यालय के नाम से बनेगा। तो उसके साथ उसको अटैच करना है सभी डॉक्यूमेंट्स को और कॉलेज की वेबसाइट से परफॉर्मा डाउनलोड करना है और उसको कॉलेज में एडवर्टाइजमेंट के प्रकाशन के 21 दिन के अंदर अंदर आपको जमा करवाना है। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये न्यूज़पेपर में 11 अगस्त को आई है, 11 अगस्त को आई है। तो आप देख सकते हैं कि 21 दिन कब बनते हैं, 21 दिन के अंदर अंदर आपको ये काम करवाना है। उसके बाद आपको एक कॉपी जो है इसकी वो MD यूनिवर्सिटी रोहतक के कॉलेज ब्रांच में भी जमा करवानी है, इसकी एक प्रति। तो ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन थी आज, जो कि महारानी किशोरी जाट कन्या महाविद्यालय रोहतक की तरफ से था। तो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, सारी बातें मैंने आपको बता दी है, कैसे आपको अप्लाई करना है, कहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा और किस किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप बने रहें YouTube चैनल MD एजुहट के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।